रघुवर सरकार के प्रयास से जामताड़ा में अजय बराज सिंचाई परियोजना शुरू हो गई है और यही वजह है कि मानसून की दगाबाजी के बावजूद खेतों में फसल लहलहा रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। जामताड़ा के किसान खेती के लिए मौसम पर निर्भर रहा करते थे। पिछले दो सालों में औसत से कम बारिश ने किसानों के हौसले पस्त कर दिए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। रघुवर सरकार के प्रयास से कई सालों से लंबित पड़ी अजय बैराज परियोजना को शुरू किया गया और इस बार बिना बारिश के ही फसल लहलहा रही है। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो खुद मॉनिटरिंग करें कि हर खेत को पानी मिल रहा है या नहीं। लिए किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये पानी किसान के खेती के लिए काम आया। और दूसरी बात है कि इस साल मौसम बहुत ख़राब था और बारिश भी कम हुई है, इसीलिए ये पानी खेती के लिए काम आया। और दूसरी बात और है कि ये पानी बराबर चलना चाहिए। बराबर चलने से क्या होगा कि ये रबी फसल के लिए और फायदेमंद होगा। ये मौसम इस साल मौसम खूब ख़राब है सर, ये पानी नहर का पानी आया तो कुछ 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 क्षति हुआ। इसलिए हम झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई हम लोग दे रहे हैं कि नहर में पानी छोड़ जाने के लिए और हम लोग को आगे और पानी देने की बंद न करें। अरबों की लागत से बनी अजय बैराज परियोजना से आज हर खेत को पानी मिल रहा है। नाला और कुंडहित ब्लॉक के किसान आज लाभ हो रही है और अजय सिंचाई प्रमंडल कुंडहित के अंतर्गत सभी नहरों में पानी दिया जा रहा है और किसानों में इसको लेकर काफी खुशी है। नहीं, अभी से सभी नहर का काम पूर्ण है। सिंचाई की बेहतर सुविधा से जामताड़ा के किसान अब सभी तरह की फसल उगा सकेंगे। अच्छी खेती और बेहतर कमाई किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।